हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में घन के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का अध्ययन करेंगे। अरे वाह मानस, तुम्हारी इमारत में नई टंकी लग गई। हाँ थॉमस, और क्या तुम जानते हो कि ये टंकी आधुनिक तकनीक से बनाई गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी ये नई टंकी को भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? क्या ये तुम्हारी इमारत के लिए अब काफी है? ये तो मैं पिताजी से पूछना भूल ही गया। अब हम ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं थॉमस? इसका उत्तर भी हम गणित द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अरे वाह, इसका मतलब ये गणित का समय है। देखो मानस, जैसा कि हम जानते हैं, इस टंकी में भरे पानी की मात्रा इसके आयतन वॉल्यूम के बराबर होगी। लेकिन हमें तो केवल घनाभ के आयतन का सूत्र ही मालूम है, और ये टंकी तो घनाकार है, तो हम इस टंकी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक घनाभ और घन में क्या अंतर होता है? घन और घनाभ काफी समान होते हैं। मुझे इनमें केवल एक ही अंतर मालूम है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग नाप के होते हैं, और घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के नाप बिल्कुल समान होते हैं। बिल्कुल ठीक मानस। अब क्या तुम मुझे घनाभ के आयतन का सूत्र बता सकते हो? ये सूत्र तो मुझे अच्छी तरह याद है। घनाभ का आयतन L, B और H के गुणनफल के समान है, जहां L, B और H क्रमशः घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। बिल्कुल सही। अब क्या तुम जानते हो कि हर घन भी एक खास तरह का घनाभ ही है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल समान होते हैं। इसलिए यदि हम घनाभ के आयतन में चौड़ाई b और ऊंचाई h की जगह भी l लिख ले, तो हमें l विमा के घन का आयतन ज्ञात हो जाएगा। चलो मैं इन्हें जल्दी से अपनी गणित की सूत्र पुस्तिका में लिख लेता हूँ। अच्छा, किसी भी घन का आयतन L घन के बराबर है। देखो, मैं झट से इस टंकी की एक भुजा को नाप लेता हूँ। टंकी की एक भुजा का नाप 6 मीटर है। इसका मतलब इस घनाकार टंकी का आयतन 6 का घन यानी 216 घन मीटर है। और तुम तो जानते ही हो कि 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। इसका मतलब इस टंकी में 216 × 1000 यानी 216,000 लीटर पानी भरा जा सकता है। चलो थॉमस, अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चले, हमें क्रिकेट खेलने भी तो जाना है। इस वीडियो में आज हमने घन के आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का अध्ययन किया। हमने सीखा, एक, घन का आयतन क्या होता है, दो, घन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।